कौन कौन से हैं वो सर भी जी एक, जी सर मैं आपको लिख के भेज दूं सर। व्हाट्सएप करें ना, उनके नाम व्हाट्सएप करें, जी उनके इलाके बताएं मुझे लाहौर में कहाँ कहाँ हैं, और उनके नेट का मसला आ रहा है तो क्या किया जा सकता है उनके लिए, देखते हैं। जी सर, असल में इलाके का सर मुझे नहीं पता, मैं उनको मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, अगर वो मुझे भी रिस्पॉन्ड करते हैं सर, कॉल करके बल्कि पूछ लेता हूँ सर। कॉल कर लें और उनसे मुझे पूछ के बता दें। और बाकी जी सर क्लास में जो उसामा कादरी जो है वो स्टार्ट कर दें, जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था और मैंने रास्ते में छोड़ा था। हमने क्या टॉपिक था भला, कॉलम के बारे में था। और आज मैं जी आपका क्विज सोच रहा था, मैं ले लूँ छोटा सा कहें तो, या नेक्स्ट क्लास में ले लें, कल ले लेते हैं। नेक्स्ट में ले लीजिए, क्योंकि आज आपका इंटरनेट का इशू है तो हमें लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ठीक है, वो इंटरनेट का इशू तो पता नहीं कितना रहना है, जो गवर्नमेंट अपना एक्टिविटी कर रही है, मेरा नहीं ख्याल है कि जल्दी मसला हल होने वाला है, इसलिए उनके कहें स्टूडेंट्स को कि उसका मोहल्ले के जो, या तो PTCL कनेक्शन तो फ़ौरन लग नहीं सके, जो मोहल्ले के होते हैं ना कनेक्शंस, वो जो लैंड नेटवर्क से चल रहे होते हैं, लोकल ये नेटवर्क से ना, उनसे ले लें, वो वक्ती तौर पर हल निकल आएगा इसका। ठीक है, वो हर जगह भी होता है, सस्ता सही होता है, पता ही आपको, क्योंकि ये जल्दी नहीं जी मसला आ सर, रहा। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वो कल उनको मैसेजेस किए हैं तो उनको कन्वे ही नहीं हो रहे थे सर। फिर उन्होंने जब अपनी मोबिलिटी चेंज की है तो उन्होंने फिर रिप्लाई किया, वो कहते हैं कि यार हमें तो आपके मैसेजेस मिले ही नहीं है। अब एक ऐसे दोस्त था मुजाहिद, वो जब बहरिया टाउन गया तो सर उसे मैसेज पहुंचा है, उससे पहले उसको पता ही नहीं था। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, लाहौर में ही पोजीशन है, क्रैकडाउन हो रहा है लाहौर में, और एक हफ्ते से काफी प्रॉब्लम्स है यहाँ, कंटेनर्स पड़े हुए हैं, रास्ते बंद हैं, अक्सर जगहों पे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, और नेटवर्क्स भी बंद किए हुए हैं। जी, हम बात कर रहे थे अपना खालिद मियाँ, आप उसी फिज़ा क्लास में आ गई, फिज़ा लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो वही जो मैंने नोट शेयर किए थे वही वहीं से शेयर करें, मैं आपको मज़ीद रीडिंग भेजता हूँ इंशाल्लाह, फिर इस पर डिस्कस करते हैं, चूँकि अभी ज़ाहिर है मैं क्विज नहीं लेता आपका या टेस्ट वेस्ट, ताकि चूँकि अभी प्रॉब्लम चल रही है स्टूडेंट्स की, उसको देखते हैं, उनके नाम मुझे भेज दें ताकि उनको अकोमोडेट कर सकें। जी सर, मैं आपको बस लिख के भेज रहा हूँ जी। दुआ करें पाकिस्तान पे, अल्लाह मियाँ उसकी हालत पे रहम करे, और पाकिस्तान के जो मामलात हैं जल्दी अपनी रहमत से, अल्लाह की रहमत से रिजॉल्व हों, खैरियत आमीन से सारे मामलात हों, और वैसे भी कोविड भी फैल रहा है, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे सबको, और फैलता ही जा रहा है। मैं अभी आपकी अटेंडेंस भी लगा देता हूँ, ज़रा क्लास में लोग आ जाएं, ठीक है, आप मुझे वो लिस्ट भेजें प्लीज़, मैं वेट कर रहा हूँ, और उसको पढ़ें, वो जो मैंने डाटा आपको सेंड किया था उसको पढ़ें। जी सर, उसामा आप शुरू कर लेंगे, मैं उतनी देर ये कर लेता हूँ, हम लोग फिर एक्सचेंज कर लेंगे बारी मैं में। ना असल में फोन पे हूँ और वो मेरे से पुरानी चैट डेल हो गई है, आई एम सॉरी। वो उसको अगर अच्छा आप जी जी कोई मसला नहीं है। उस चैट का लिंक दोबारा सेंड कर दें इनको, ठीक सर वो असल में ना पिक्चर्स थी जो आपने सेंड की थी, तो सर वो मैं सर वो सेव नहीं करता होता, मेरे सिस्टम लगा कि वो डिलीट होती जाती हैं आती, क्योंकि सर वो काफ़ी चीज़ें फजूल ही होती हैं काम की, मुझे व्हाट्सएप पे कम ही चीज़ें होती हैं, लेकिन सर वो गलती से वो भी साथ ही हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा सेंड करता हूँ, वेट करें। ओके सर। ओके सर।
ये मैंने भेजा है, जरा देखें दोबारा। जी सर बिल्कुल रिसीव हो गई है। पेज 147 से शुरू करें, पेज 147 से, ये सेकंड लास्ट जो है। जी सर स्क्रीन शेयर करने की तो जरूरत नहीं है सर? नहीं जरूरत नहीं है, कर लें शुरू। जी जी मैं सर शुरू करता हूँ। नमूर कॉलम नवीसों सहाफ़ियों और सहाफ़त के असाज़ा ने कॉलम के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया है इनमें इन खसूसियात पर रोशनी डाली गई है जो एक मेयारी कॉलम में पाई जानी चाहिए। कॉलम नवीसी के मुख्तसर तारीख में एक सिंफ तहरीर की बुनियादी असूल मुतय्यन हुए हैं और कॉलम नवीस के औसाफ़ सामने आए हैं। इब्तदा में कॉलम की कोई वाज़ेह हैयत नहीं थी, इसने बतदरीज और तेज़ी से तरक्की के मनाजिल तय किए और इसे मौजूदा हैसियत हासिल हुई जो जदीद सहाफ़त के असासी पहलुओं का दर्जा रखती है। इन तमाम नुकात के पेश नज़र हम कॉलम की जामा तारीफ यूं कर सकते हैं, अखबार या रिसाले में किसी मुस्तकिल अनवान के तहत लिखे जाने वाले के नाम के साथ बाकायदगी से शाया होने वाली ऐसी मुनफरिद तहरीर कालम कहलाती है जिसमें ताज़ा हालात वाकयात के पस मंज़र में ज़िंदगी या माशरे के किसी या एक से ज़्यादा पहलू को मौजू बनाया गया हो। इस तारीफ को जामिया और भरपूर करार दिया जा सकता है क्योंकि एक मेयारी कालम के तमाम अहम खसूसियात इससे समूदी गई है। ये तारीफ एक आला पाए के कालम की जिन अहम खूबियों को उजागर करती है वो ये है। कालम अखबार या रिसाले में शाया होने वाली तहरीर का नाम है। कालम मुस्तकिल उनवान के तहत लिखा जाता है, बाकायदगी से शाया होता है, तहरीर के साथ लिखे लिखने वाले का नाम दर्ज होता है, तहरीर का असलूब मुनफरिद होता है ख्वा वो फकाहिया हो या संजीदा, वजाहती हो या तजर्बाती, ताज़ा हालात और वाकयात असासी दर्जा रखते हैं, इंसानी ज़िंदगी और मुआशरे से मौजू तलाश किए जाते हैं, इन मौजूआत में ज़िंदगी और मुआशरे के किसी एक पहलू पर बही की गई हो या ज़्यादा पहलू पर। कॉलम नवीस के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए कि कॉलम किसी सूरत में अव्वल और आखिर तक बयानिया नहीं हो सकता। कॉलम का आगाज़ किसी बयान से ज़रूर किया जा सकता है, इसका इख्तिताम भी बयान पर हो सकता है, लेकिन जब तक कॉलम निगार अपने मखसूस अंदाज में तबसरा ना करे और तजरीदी अलामती या बराह रास्त तरीके से अपने ख्यालात का रंग ना भर दे और अपनी निगारशात को मकसदियत के तहत कारीन को किसी नतीजे या मंजिल पर पहुंचाने में मदद ना दे, इस वक्त तक तहरीर आला मेयार का कॉलम कहलाने के मुस्तहिक नहीं हो सकती। कॉलम नवीसी तारीख के आईने में कॉलम नवीसी की तहरीक का कोई ख़ास नुक्ता आगाज नहीं। 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में अमेरिका में वालपोल के जरीदा वीकली म्यूजियम में एक फकाही कॉलम शाया होता था जो नसर और नज़म दोनों असनाफ में छपता था। अगरचे इस ज़माने में कॉलम का वो तसव्वुर मौजूद नहीं था जो आज है, ताहम इन तहरीरों के साथ लिखे जाने वाले का नाम शाया होता था और अखबार में इन्हें मखसूस जगह दी जाती थी। वीकली म्यूजियम में छपने वाला कॉलम जो जोसेफ डेंसी के नाम से शाया होता था, अमेरिकी सहाफत के तारीख में 19वीं सदी का इब्तदाई दौर जर्द सहाफत येलो जर्नलिज्म का दौर था। इस ज़माने में सहाफत असूलों या इखलाकी की पाबंदी नहीं होती
इसे रतब या पस तहरीर शाया होती थी। आपकी आपकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, क्या बात है, आपको पढ़ना नहीं आता सर, इतनी सर, मेरी उर्दू मैं को टोक भी नहीं रहा जो इतनी ज्यादा है कि मैं क्या ठीक करूं क्या ना ठीक करूं, मैं क्या बात मैंने है? मैंने सर आखिरी क्लास में भी आपको ये कहा था सर, मेरी उर्दू की रीडिंग बहुत मैंने कम की है, तो उस वजह से मेरा वो फ्लो नहीं है इसमें। ये बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं नहीं वो तो अच्छी बात है, वो कोई भी कर लेगा। मैं इसको चेक कर रहा था और उसको मैं थोड़ा सा शर्मिंदा करवाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा इतना तो स्टूडेंट्स को होना चाहिए ना कि उसको अपनी नेशनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए थोड़ी सी क्या सही आनी चाहिए। अब आप ब्रिटिश इंग्लिस्तान चले जाएं और वहाँ किसी अंग्रेज को अंग्रेजी बोलनी ना आती हो, उर्दू बोलनी आती हो, तो क्या महसूस करेंगे आप इसे? बाय द वे क्या करेंगे, अंग्रेजी ना बोले उर्दू बोलना शुरू कर दें जो उसकी जबान नहीं है। अपनी जबान तो आए ना, ठीक है उर्दू वो सीखे बड़ी अच्छी बात है, फ्रेंच सीखे जर्मन सीखे, अपनी जबान तो आनी चाहिए यार, वो ही नहीं आ रही तो फिर क्या आ रहा है हमें? हमारी जैसे सारी तहजीब है अंग्रेजी जबान में तो नहीं है, वो तो सारी उर्दू जबान में है, उससे पहले फारसी में थी। फारसी खैर मैं नहीं कहता सीखे आप, उर्दू तो आनी चाहिए ना, जिसके लिए हमने पाकिस्तान बना दिया, हमने अंग्रेजी जबान भी सीखने के लिए पाकिस्तान बनाया था, अंग्रेजी तो हमें आना चाहिए चूंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमें आनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, सबको आनी चाहिए क्योंकि उसमें उसमें हमें सीखना है पढ़ना है आगे बाहर जाना है तो उसको भी पढ़ना है, लेकिन अपनी अपनी जबान तो आनी चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए उसके बारे में, जिसके लिए इतनी लड़ाई हुई है यार। सर सैयद अहमद खान ने जो जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मुसलमानों का हिंदुओं का, उस जबान पर हुआ था यार, बांग्लादेश बन गया, उन्होंने जबान उन्होंने कहा हमने उर्दू नहीं बोलनी हमने बंगाली बोलनी है, उन्होंने अपनी जबान अलग कर दी, वो जबान पर मुल्क टूट गया, जो आइडियालॉजी वो पाकिस्तान में बना था आपके ख्याल में। आप उस जबान को मजाक ना समझा करें, अगर आपने अपनी जबान खत्म कर दी तो आपने अपना मुल्क खत्म कर दिया टेक्निकली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जबान किसी भी मुल्क में। इंग्लिस्तान से अंग्रेजी खत्म कर देंगे तो जर्मन कर देंगे तो जर्मनी बन जाएगा, इंग्लिस्तान तो नहीं रहेगा, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर, इस तरह ये भी एक स्किल है, जितना इस पे काम करेंगे ये बेहतर होगा। जी किसी मुल्क की जबान वो आप खुद होते हैं, वो स्किल नहीं होती, स्किल ये है कि आप अंग्रेजी सीखें, स्किल ये है कि आप फारसी सीखें, स्किल ये है कि अरबी सीखें आप। उर्दू आपकी कौमी जबान है, नेशनल लैंग्वेज है आपकी, स्किल नहीं है जी। मगर सर ये प्रैक्टिस करने से बेहतर होगी, तो प्रैक्टिस मैंने शुरू की हुई है तो मैं प्रैक्टिस कहाँ करेंगे इसे, अमेरिका में करेंगे जाके या स्कॉटलैंड में करेंगे प्रैक्टिस, या जर्मनी में करेंगे जाके, या ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, या ऑस्ट्रिया में करेंगे, या टर्की में करेंगे, या इराक में ईरान में करेंगे, या लीबिया में करेंगे, या हिंदुस्तान कहाँ करेंगे प्रैक्टिस बताएं, या मरीख में करेंगे जाके, मार्स में हम लोग प्रैक्टिस से उर्दू में उर्दू को कहाँ करेंगे, या जन्नत में जाके बोलेंगे कहाँ बोलना है हमने से, यही उसी मुल्क में प्रैक्टिस करना है हमने से, या नहीं कर रहे? मेरी बात समझ में आ रही है आप स्टूडेंट्स को? अल्लाह के बंदो ठीक है अंग्रेजी हमारी बहुत हमारी नीड बन गई है, लेकिन अपनी पहचान को तो ना खोएं, आना तो चाहिए, क्या ख्याल है? अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, उसे बोलना तो सही चाहिए ना। हम अभी कहीं चले जाएं वो कहे अपनी अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात करें तो हम कहें हमें नहीं आती, तो कहेंगे फिर आप किस मुल्क के नेशनल हैं आप बताए, हम जी पाकिस्तान के नेशनल हैं, पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज उर्दू बोल के दिखाएं, नहीं आती, कमाल है आप तो अपने मुल्क के नहीं है आप तो अपनी कौम के नहीं है, आप कौम है ही नहीं, जो मैं कहता हूँ अक्सर, आप समझाइए कि हम कौम क्यों नहीं है। ये प्रॉब्लम है, ये बहुत हमारी एक जुबान की है, हम क्या कौम है सर? ये भी फीचर का इशू है कि जिस पे हमने ये कॉलम का भी मौजू है, जिस पे हमने हमारा मुल्क टूट गया, पाकिस्तान टूट गया 71 में लैंग्वेज इशू पे हमने कहा कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और वो लैंग्वेज जो है वो आपने उसको लिखना भी भूल गए हैं, उसको रोमन में लिखते हैं आप, क्या हाल है KYA, क्या HAL हाल, HAI है क्या हाल है, अच्छा इसको अंग्रेज कहें कि पढ़े क्या लिखा हुआ है, वो बोलेगा क्या हॉल है,
समय कुछ नहीं आएगा उसको, किसी उर्दू दानों कहेंगे पढ़े में कहीं ये तो अंग्रेजी लिखी हुई है, उसको भी समय नहीं आएगा, तो फिर क्या लिखा लिखा आपने? प्रॉब्लम समझ में आया आपको जी? अब आप पढ़े क्या जिन्होंने कहा था, आमना ने कहा था, लाइबा ने कहा था जी, लाइबा सर ये पेज खत्म हो रहा है सर, ये मुझे खत्म कर लेने दें, अगले पेज से ये कंटिन्यू कर लेंगे। चले आप करें जी, ये खत्म हो गया, ये 48 के बाद कुछ भी नहीं है जी। 19वीं सदी के दूसरे दिहाई में फकाहिया कालम बाकायदगी से शाया होने लगे और इस कसरत से शाया होने लगे कि अमरीकी सहाफत की एक अहम सिन्फ बन गए। मुल्क में जब खाना जंगी का आगाज हुआ तो फकाहिया कालम लिखने वाले कई नाम सामने आए, इनमें से फकाहिया कालम क्या होता है? फकाहिया कालम क्या होता है? मज़ाहिया सर। हाँ मज़ाहिया कॉलम, बिल्कुल सही। डेविड आर लॉक का नाम खास तौर पर काबिल जिक्र है, इसके कालम मकतूबात के शक्ल में शाया होते थे, इनको मकबूलियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन भी इनके अब्राहम लिंकन इनकी इनके गर्विदा थे और इन्हें बाकायदगी से पढ़ते थे। खाना जंगी की वजह से अखबारात में ज्यादातर लड़ाई की खबरें शाया होती थीं। इस किस्म के हालात में लोग आम तौर पर जंगी खबरों में से ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, लेकिन विडलॉक के कॉलमों ने इस दौर में भी अपना लोहा मनवाया और लोग इनके मुंतजिर रहते थे। जी सर खत्म हो गए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये खालिद मियाँ, आप सब, मैं खालिद मियाँ को तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे सेट किया है, लेकिन शुड इम्प्रूव योर ओन लैंग्वेज, ओन नेशनल लैंग्वेज, इसको प्लीज़ आप साथ साथ इम्प्रूव करें एज इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, सही है ना? इसमें आप कह सकते हैं कि इसको प्लीज़ थोड़ा सा लिखना पढ़ना तो आना चाहिए, तलफ़ुज़ तो ठीक होना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? और आपको पता है कि ऐसे 100 साल पहले जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन थी उसमें उर्दू ज़बान में MBBS हुआ करता था और तमाम जो उलूम थे, 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा पहले की बात कर रहा हूँ, और वो उर्दू ज़बान में तमाम उन्होंने जो अपने उलूम थे उस ज़माने के वो उसको ट्रांसलेट कर लिया था अंग्रेज़ी से, जर्मन से, फ्रेंच से, ठीक है, और वो MBBS तक उर्दू में करवाते थे। यानी कोई ये नहीं कि हो नहीं सकता ऐसा, हम करना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है, हम अभी तक अपने पोस्ट कॉलोनियल इम्पैक्ट से बाहर, कॉलोनियल इम्पैक्ट से बाहर नहीं आए, हम वही उन्हीं की ज़बान को सीखे उनको, क्यों नहीं, मैंने ये मना तो नहीं किया सीखने से। अंग्रेज़ों ने, यूरोप पूरे ने अरबी सीखी, अरबी सीख के अरबी अलूम सीखे, अरबी अलूम को ट्रांसलेट किया अंग्रेज़ी में, अरेबिक। आपको पता है कि अरिस्टोटल को, जो अरस्तु है, अरस्तु को डायरेक्ट अंग्रेज़ी से, अंग्रेजी में ग्रीक से नहीं ट्रांसलेट किया गया, उसे अरबिक से किया गया, क्योंकि अरबों ने उसको पहले ट्रांसलेट किया ग्रीक से, लैटिन से उसमें अपना अरबिक में, और अरबिक से किया इन्होंने अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी में, ठीक है ना? जो जर्मन ने किया, फिर जर्मनी वालों ने, जर्मन से किया किसी ने अपना अंग्रेजी में, या स्पेन वालों ने किया, वहाँ से इसरा हुआ। तो मकसद कहने का ये है कि ये मुख्तलिफ अलमूम जो हैं वो मुख्तलिफ कौमों के से गुजर के पहुँचते हैं हम तक, तो ये किसी की मिरास नहीं है, जो पढ़ता है उसकी हो जाते हैं। अरबों ने पढ़ा, अरबों के हो गए, मुसलमानों के जब रूल था मुसलमानों ने पढ़ा, मुसलमानों के हो गए, अब वो पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं, ये किसी की इजारादारी नहीं है। तो ज़बान आना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़बान भूल जाएँ, अपना कल्चर भूल जाएँ, अपनी तहजीब भूल जाएँ, जो हम भूले पड़े हैं। जी ये मैं अटेंडेंस लगा लूं, फिर हम लाइबा की तरफ आते हैं। लाइबा की तबीयत कैसी है, आप ठीक ठाक हैं? जी सर अल्लाह का शुक्र। लाइबा इरफान प्रेजेंट। समीर अहमद एहसन सजाद बुशरा कॉल में, एहसन सजाद कॉल में ही है, उनके माइक नहीं वो चल रहा। देखिए ये माइक वाइक वाला तमाशा जो है ना, ये नेक्स्ट क्लास में मैंने नहीं बर्दाश्त करना, बस ये दो दफा हो गया, तीन दफा हो गया, माइक क्यों नहीं ठीक हो रहा अभी आप लोगों का, क्या मसला है? ठीक करें माइक अपना, एक दफा में हो सकता है ना माइक का मसला, हर दफा माइक का मसला तो नहीं होना चाहिए। बस ये जो आइंदा नेक्स्ट बोलेगा नहीं उसकी अटेंडेंस ही लगेगी।
बता दूं मैं आपको, बुशरा रमजान लिख के भेजा है, मैं उनका एब्सेंट कर रहा हूं, जब तक ये बोलेंगे नहीं इनकी अटेंडेंस ही लगेगी। बुशरा रमजान जी सर, वो मंडी बहाउद्दीन से मैंने आपको लिख के भेजा था जी। मंडी बहाउद्दीन में तो कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा सर, उधर भी यही इश्यूज, उन्होंने तो मुझे यही कही है। अच्छा होगा, हो सकता है, चले मैं लगा देता हूँ। सुन की हमदा जी, हमदा अजहर, ईमान बरेरा, बरेरा प्रेजेंट सर, उसामा खालिद, इनका भी मसला है मेरा ख्याल है, उसामा जी सर इनका भी जी। किस इलाके से है, लाहौर से सर? ये लाहौर में अभी नहीं है, शेखपुरा से है सर ये। अच्छा ये वही तो नहीं ज़रा बोलते हैं क्लास में, वही है वो मैं उसामा? नहीं नहीं वो कोई और है। अच्छा ठीक है जी। मोहम्मद उसामा कादरी प्रेजेंट सर, वो हमारा उमैर लड़का है, उमैर काफी माशाल्लाह बोलता है, मुझे याद आ गया। अच्छा जी मोहम्मद उसामा कादरी हो गए। वो हुरिया फरदीन प्रेजेंट सर, हुरिया फरदीन प्रेजेंट प्रेजेंट। हारून अहमद एब्सेंट। मोहम्मद अहसन रजा प्रेजेंट सर। उमैर अख्तर जी सर प्रेजेंट। मुजाहिद हुसैन प्रेजेंट सर। फिजा प्रेजेंट सर। फिजा आप कब आई हैं? आप तो थी नहीं क्लास में, मैं भी चेक कर रहा था आपको। नहीं सर मैं काफी देर से हूँ, मतलब जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से 5 मिनट बाद आ गई थी सर। ठीक है मोहम्मद मुदस्सर, देखिए सच बोल दिया ना आपने, कब आई आप? मोहम्मद मुदस्सर आजम सर, इनका भी मैंने लिख के भेजा है आपको सर। लाहौर से सर? ये कराची से हैं। कराची से तो ऐसा कोई मसला नहीं है यार। अच्छा चलें, अब्दुल्ला कुरैशी प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मुनीब तबस्सुम प्रेजेंट सर। खालिद महमूद प्रेजेंट सर। रुबाब जफर का भी आपने मुझे भेजा है, ठीक है प्रेजेंट सर, मैं हूँ क्लास में। अभी तो मुझे मैसेज आया आपका क्या नहीं आना सर? वो मेरा नहीं आ रहा था इंटरनेट, लेकिन मैंने बार बार किया है तो अब आ गया, डिस्कनेक्ट हो जाता है लेकिन फिर मैं कर। आपने ट्राई गेन का जो है फॉर्मूला अपनाया है, ट्राई गेन है माशाल्लाह। लो भी एक और, लेकिन एक मसला है, हम बाहर खड़े रहते हैं, आप हमें क्लास के अंदर बहुत देर बाद एंटर करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। नहीं नहीं वो मैं कर लेता हूँ, आपको कर लेता हूँ, आपका नेटवर्क जो स्लो होता है, अभी आपने खुद कहा आपके एंड पे नेटवर्क इशू है, तो जब नेटवर्क सोर्स स्लो होगा तो वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से कनेक्टिविटी में स्लो हो जाएगा, मेरे पास मैसेज ही नहीं आएगा, मैं आप फौरन मैसेज दे देता हूँ। यानी आपने फिर मेरे पर इल्जाम लगा दिया। नहीं नहीं सर, क्योंकि मैंने कोई 10-12 बार ट्राई किया है तो मुझे लगा कि शायद आपने करे, मेरी वो नेट का आपने खुद ही अपना मसला भी बता दिया कि आपका इंटरनेट स्लो है। जब इंटरनेट स्लो है तो फिर इसका मतलब है मेरे तक उसकी कनेक्टिविटी स्लो है, तो मेरा कसूर क्या है इसमें? आपका इंटरनेट स्लो है तो समझ में आ गई बात आपको? जी सर मेरा कसूर, यानी एक आपका इंटरनेट स्लो है, वो कनेक्ट ही नहीं कर रहा, तो मुझ तक मैसेज कैसे आएगा बताएं? जब आएगा तो मैं उसे अलाउ कर दूंगा, ठीक हो गया। सो ये जो हमारा जो बोलना है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट से कहते हैं आपने मुझे एब्सेंट कर दिया, भाई मैंने क्यों एब्सेंट करना है, सवाल ये पैदा होता है। एब्सेंट आप थे ही नहीं क्लास में तो एब्सेंट है, ऑब्वियस है, उस वक्त नहीं थे। अच्छा उसके बाद आपने कहा कि आप मुझे परमिशन ही नहीं ग्रांट कर रहे, भाई आप खुद कह रहे हो कि मेरा कनेक्टिविटी मसला है, आपका नहीं अक्सर लोगों का होता है, तो जब आपने कनेक्टिविटी मसला है, सिग्नल वीक है आपके, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास उसका मैसेज आना ही नहीं है, जब आना ही नहीं तो मुझे शो ही नहीं होना, ये शो ही नहीं होना तो मैं ग्रांट कैसे करूंगा उसकी परमिशन? अब समझ में आ गई बात? तो ऐसे कहते हैं कि तो इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसामा कादरी फंसेगा, दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप लोगों ने, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को क्लियर करते हैं। वो क्लियर करना क्या होता है पता है आपको? हम कहते हैं दूसरा कसूरवार है, मेरी गलती नहीं है,
इसी को लेम एक्सक्यूज करेंगे, क्या करने है? हमने नहीं किया सर, आपने मुझे एब्सेंट कर दिया, ये नहीं सोचा उस वक्त कि मैं उस वक्त जब क्लास में अटेंडेंस हो रही थी तो मैं उस वक्त नहीं था, या माइक का मसला था, जो भी था, आपने मुझे एब्सेंट कर दिया, मतलब टीचर पे ब्लेम कर दिया फौरी तौर पे। यही हम सारा दिन करते हैं, दिस इज आवर कलेक्टिव बिहेवियर, इस इज एब्सोल्यूट सोशल डिजीज। इस पर भी लिख सकते हैं आप, फीचर बन सकते हैं आपका, कॉलम बन सकता है आपका इस मौजू पे, ये सब्जेक्ट है इसका, कि हम दूसरे पे एकदम इल्ज़ाम लगा देते हैं और हमें खुद नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, ये हम ही करते हैं। हर वो मुआशरा जो मुआशरा नहीं होता, हर वो मुआशरा जो कलेप्स कर रहा होता है, हर वो सोसाइटी जहाँ एथिक्स एथिकल वैल्यूज डाउन हो रही होती हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम्स होते हैं। कहीं ऐसा नहीं होगा, आप कहीं यूरोप में चले जाएँ, वहाँ देखिएगा, वो आप इल्ज़ाम ही लगेगा, कहेगा सॉरी मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात समझा नहीं पाया, सॉरी शायद मेरी मिस्टेक है, मैं अपनी बात समझा नहीं पाया, सॉरी शायद मेरी एंड से कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह बात करेंगे वो। और हम ये करते हैं, नहीं आप गलत कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है एक सिविलाइज्ड नेशन का और एक आम जो अनसिविलाइज्ड नेशन है ही नहीं हमको, खैर से पता ही आपको, मैं कहता हूँ हम नेशन ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम नहीं, हमारे बिहेवियर इस किस्म की हो गई है, मतलब इस तरह कहना कि अब हमें खुद पता है कि ये कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, लेकिन हम फौरी तौर पर सोचते हैं कि दूसरा नहीं सेंस दे रहा, प्रॉब्लम हमें आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ है? इंटरनेट में है प्रॉब्लम, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है। बस अक्सर मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा आवाज़ नहीं आ रही, और बाकी सब कहते हैं सर आपकी आवाज़ आ रही है। अब वो आवाज़ का मसला कहाँ है? उनकी इंटरनेट प्रॉब्लम, आप अपनी इंटरनेट प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है। खैर, रुबाब जफर होगी, मोहम्मद अली कुर्बान प्रेजेंट, मोहम्मद हमजा जाहिद, हारिस बिलाल, हारिस बिलाल की तबीयत अब बेहतर है मेरा ख्याल, आगे होंगे क्लास में। हारिस बिलाल, हारिस बिलाल, मोहम्मद शिराज, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल भी नहीं है, खालिद मोहम्मद बिलाल क्लास में नहीं है? नहीं सर, मेरे नहीं ख्याल वो क्लास में है। चले हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और रुबाब को मैं सोच रहा था, रुबाब सोचती होगी कि मैंने डांट दिया उसे, रुबाब को मैंने डांटा बिल्कुल नहीं है, मैंने जस्ट एक बात की है कि ओवरऑल अक्सर ये मसला हो जाता है, इसलिए कनेक्टिविटी इशू होता है, वो हमें भी पता होता है इस चीज़ का। ठीक है जी रुबाब, ठीक है ना? जी सर ठीक है। रोना शुरू कर दिया था सर पिछले सेमेस्टर में, इनको डांट पड़ी थी एक सर से। नहीं मैंने डांटा नहीं है रुबाब को, उसको पता है इस बात, उसे मुझे जानती है रुबाब, मुझसे पढ़ी हुई है पहले, मैंने उसको नहीं डांटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, छोटा सा दिल है सर, वो लास्ट टाइम बहुत रोई थी। बस बस यार बस, ऐसा नजा बोल रहे हैं ना ये। अच्छा हारून अहमद क्लास में आ गए, हमदा अजहर क्लास में आ गई है? यस सर प्रेजेंट। आ गई है हमदा, आपकी तबीयत कैसी है? सर अब तो ठीक हूँ। चलें और क्लास में एब्सेंट थे, एहसन सजाद क्लास में आ गए? सर वो पहले भी क्लास में थे, उन्होंने ग्रुप में भी आपको मैसेज छोड़ा है, इधर चैट बॉक्स में भी मैसेज छोड़ा है। अच्छा चलें उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और नेक्स्ट कोशिश करें कि वो क्लास में अपना माइक सही करें और बोलें, ठीक है जी। और वरना सर पार्टिसिपेट कैसे करेंगे ना, मसला ये है। समीर अहमद क्लास में आ गए? नहीं आए। हारिस बिलाल क्लास में आ गए? हारिस बिलाल नहीं सर, नहीं आए। इनको लास्ट टाइम में हॉस्पिटल में थे ये, और किसी क्लास को ज्वाइन किया इन्होंने? सर क्योंकि हमारे 3 दिन तो ऑफ रहे पहले, उससे पहले मेरे ख्याल में इन्होंने किया था ज्वाइन। असल में ये हॉस्पिटल में थे, मेरी इनसे बात हुई थी, मैंने की तबीयत के लिए फ़ोन किया था, क्योंकि जो कोविड पेशेंट होते हैं, या मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट से रबते में रहूँ, मुझे जो जो जानते हैं पहले से उन्हें पता है मेरी आदत का, और ये सुना भी है आदत का, फ़ोन पर कर लें या आप घर चले जाएँ या हॉस्पिटल चले जाएँ, जो पॉसिबल हो करें, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ज़रूर पूछना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो छोटी छोटी जो
नेकियां कमा सकते हैं या खुशियां बटोर सकते हैं इस सिस्टम से जो अल्लाह सुब्हान तआला ने दिया हुआ है, वो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इसे खुशी होती है। आपको अंदाज़ा नहीं, कोई बंदा बीमार हो, आप उसकी बीमार पुरसी करें, आप उसे कॉन्टेक्ट करें, उसे पूछें, ख्वाह मैसेज कर दें, वो कितना खुश होता है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त वो इंसान बड़ा अकेला तन्हाई फील कर रहा होता है। बीमारी इंसान को तोड़ देती है, परेशान कर देती है, और उसके पास सारी दुनिया क्यों ना हो, लेकिन वो उसे कोई भी उस वक्त पूछे तो वो खुशी महसूस करता है। इसलिए प्लीज़ इयादत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनना, कभी गौर करें, इतनी प्यारी प्यारी सुनते हैं। हमारा जो दीन कितना दीन रहमत है और रसूल रहमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि हमने क्या बना दिया है, अपने मामलात को बिगाड़ दिया सारा। तो ये हम क्लास में वहीं से हम ज्वाइन करते हैं, आमना से हम बात करेंगे, सॉरी लाइबा से बात करेंगे। जी लाइबा, कंटिन्यू करें वो वाला पेज जो आप पढ़ना चाह रही थी। जी सर, मैंने तो नहीं बोला था पढ़ने का, लेकिन मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। अच्छा, किसने बोला था, किसने कहा था, मुझे ऑफर किया था, किसने कहा था? सर मैंने कहा था। यानी आपकी आवाज लड़कियों जैसी हो गई थी उस वक्त, पॉसिबल नहीं है कहा तो मैं नहीं था, पता नहीं सर क्या लड़कियों जैसी हो गई। किसी लड़की ने कहा था, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, मुझे अब उसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा। रुबाब ने कहा था सर। रुबाब ने कहा था, देखे ना, मुझे अब इतना भी मैं बूढ़ा नहीं हुआ अभी, और मुझे अंडर एस्टिमेट ना करें बुढ़ापे के मामले में, है इतना नहीं सर। रुबाब ने कहा था। चले रुबाब पढ़े आप, अगर नाराज नहीं हुई तो हमसे। रुबाब के मेरा मसला है माइक का, उसका कनेक्टिविटी का, जैसे वो कह रही थी, उसका मुझे मैसेज भी आया था कि वो शायद ज्वाइन ना करे, कि उन्होंने कर लिया है, मैं उसके मसला दोबारा आ गया। मॉडल टाउन से हैं, फ्रॉम मॉडल टाउन, ठीक है जी। लाइबा आप ही पढ़ लें प्लीज़, अगर आपके पास रीडिंग है तो। जी सर, सर ये लेकिन लास्ट पेज नहीं था जी, लास्ट पेज वो तो पढ़ लिया इन्होंने, 148 पेजेस। इसके बाद नई रीडिंग नहीं है आपके पास? सर रुके मैं चेक करती हूँ। सर ये लास्ट पेज था, इसके बाद नहीं है जो आपने सेंड की है। चले चले, मैं वो आपको ना उसको कल उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट पेज पे जो खालिद ने पढ़ा है, एक डेफिनेशन पढ़ी है, वो डेफिनेशन आमना दोबारा पढ़ें, उस पर हम डिस्कस करते हैं, कॉलम की डेफिनेशन जो है उस पर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। जी वो पढ़ें ज़रा, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। लास्ट पेज पे अखबार या रिसाले, ये वाली जी। लास्ट पेज पे मैंने एक रीडिंग भी आपको नहीं दी, जिसमें उर्दू वाली रीडिंग जो मैंने भेजी आप। जी जी, अखबार या रिसाले में किसी मुस्तकिल अरमान के तहत लिखने वाले के नाम के साथ बकायदगी से शाया होने वाली ऐसी मुनफरद तहरीर कॉलम कहलाती है, जिसमें ताज़ा हालात और वाकयात के पस मंजर में ज़िंदगी या माशरे कि किसी एक या एक से ज़्यादा पहलुओं को मौजू बनाया गया हो। इस तारीफ को जामा और भरपूर करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस मियारी कॉलम की तमाम अहम खसूसियात इसमें समो दी गई हैं। ये तारीफ एक आला पाए के कॉलम की जिन अहम खूबियों को उजागर करती है, वो ये हैं। बस ठीक है, थैंक यू। इसमें ये है, अखबार या रिसाले में यानी किसी न्यूज़पेपर या पीरियडिकल में किसी मुस्तकिल क्या होता है, मुस्तकिल कंटिन्यूस मुसलसल, उन्वान क्या होता है सर, टाइटल टॉपिक, ठीक है, के तहत लिखने वाले नाम के साथ बकायदा शाया होने वाली एक ऐसी मुनफरिद क्या होता है, मुनफरिद डिफरेंट यूनिक डिफरेंट, ठीक है ना, कॉलम कहलाती है जिसमें ताज़ा हालात
ताजा हालात क्या होता है, करंट अफेयर्स और वाकयात, उसमें आ गया कि पस मंजर में जिंदगी या मुआशरे के किसी एक या एक से ज्यादा पहलू को डिस्कस किया गया हो, मौजू बनाया गया और डिस्कस किया गया हो। ये है कॉलम की डेफिनेशन। ये एक वसी तर यानी बहुत इसको कह लें कि हर चीज़ को ये कवर करती है। अब इसके तहत जो है अच्छा एक और लफ्ज़ है कि हमारे खालिद ने बोला था जामिया, जामिया मस्जिद को कहते हैं जामिया। और अभी इन्होंने बोला लाइबा ने जामा, ये है लफ्ज़ जामे। क्या लफ्ज़ है जामे? एक होता है जामिया, जी ता मीम आइन है जामिया, जिसे लिखा होता है जामिया मस्जिद, ये है जामे जामे जामे। ठीक हो गया, इसको इतना पढ़ना है आपने। अच्छा पहले पहली खूबी क्या है, ये उसामा कादरी पढ़ेगा, उसामा कादरी पहली खूबी जी बताएं। सर ये पहली है मुसलसल, जो कि उनके नाम के साथ शाया हो, मतलब कि उन्हीं के नाम के साथ ये कॉलम शाया होगा डेली बेसिस पे। सर आई एम ऑडिबल? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सुन रहा हूँ को। सबसे पहली चीज है कॉलम अखबार, कॉलम अखबार कॉलम अखबार या रिसाले में शाया होने वाली तहरीर का नाम है। सर आगे पढ़ूं? जी जी पढ़ें पढ़ें। कॉलम मुसलसल मुस्तकिल उनवान के तहत लिखा जाता है। उसामा कॉलम अखबार या रिसाले में शाया होने वाली तहरीर का नाम है, ये आपको क्या समझ आया इससे बताएं? सर इसका यही है कि आजकल एक ऑडियो कॉलम भी आ रहा है, वो क्या है, कभी सुना आपने ऑडियो कॉलम? सर वो पॉडकास्ट होता है, आई थिंक आप उसी की बात कर रहे हैं, वो जो दो लोग बैठे होते हैं और एक तवील डिस्कशन होती है सर उस पे करंट अफेयर्स के बारे में। ऑडियो कॉलम ये होता है कि मतलब जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा है और वो छपा है उस अखबार में या एक्सप्रेस में छपा है या जंग में कोई और किसी के कॉलम छपा है, वो उनकी अपनी आवाज में वो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सुन सकते हैं उस दिन कॉलम। दिस इज एक्चुअली द न्यू फॉर्म ऑफ कॉलम, यानी इसे आप डिजिटल कॉलम भी कह सकते हैं। उसी बंदे का कॉलम उसी दिन में आप सुन सकते हैं, उन्हीं की आवाज में सुन सकते हैं, उन्हीं के लहजे में सुन सकते हैं। दिस इज अ न्यू कह लें आप टाइप ऑफ कॉलम। तो ये आप नया अखबार रिसाले में तो नहीं होगा, वो फिर अखबार और रिसाले में तो नहीं होगा सर। मैंने कह दिया ना उसको, ये न्यू फॉर्म है, न्यू का मतलब क्या होता है? नया, जी जी बिल्कुल, न्यू फॉर्म ऑफ कॉलम। और साथ मैंने बोला डिजिटल, तो डिजिटल तो नहीं, जाहिर है वो ऑब्वियस है, वो रिसाले है, उसका नहीं होगा, लेकिन ये कॉलम ही है। अब मैं बता रहा हूँ साथ साथ कि हम उसको जो उसके लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं साथ साथ, जो ट्रेडिशनल है उसको भी और जो लेटेस्ट है उसको भी, दोनों को डिस्कस करना है। क्योंकि आइंदा तक कभी अखबार या रिसाले की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, लोग नहीं पढ़ते, लेकिन मे बी लोग ऑडियो कॉलम सुनना शुरू कर दें उन्हीं लोगों के, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके लिए यूज टू हो जाए, तो मे बी आइंदा 5 साल बाद लोग डिजिटल कॉलम आना शुरू हो जाए, अखबारात उन्हीं लोगों को हायर कर लें कि आपने बोल के हमें पढ़ना है। आप समझेंगे मेरी बात, या वो खुद नहीं बोलेंगे किसी को कह देंगे, कोई अच्छा बोलने वाला बोल देगा। अब मेरी बात समझ में आ गई है? तो हो सकता है आइंदा 5-7 साल बाद कोई ऐसा ट्रेंड बन जाए, मैंने इसलिए बात की आपको, तो इसलिए हमें इसका पता होना चाहिए। सर जो बुक्स है ना, सर जो बुक्स हैं सर जिस तरह आपने भी लिखी हैं और लोगों की भी, सर वो चाहे 1900 पेज की है चाहे 2000 पेज की, सर अब एक वेबसाइट है ये audible.com, सर उस पे पूरी पूरी बुक सर जो मुसन्निफ है वो बोल के, मतलब उसका है जिस तरह आप बता रहे हैं ना कॉलम का, वो ऑडिबल फॉर्म में पड़ी हुई है, मतलब बुक्स भी सर इस तरफ आ रही है, कॉलम्स भी आ रही है। जी वही मैं कह रहा हूँ ना, दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और इसमें जरा कॉलम भी इसमें आएंगे, इसमें फीचर भी आएंगे, और पॉसिबल है कि आइंदा जो अखबारात हैं जो इन फ्यूचर वो इस किस्म की फॉर्म में आ जाए, या कोई भी खबर क्लिक करें तो वो ऑडिबल फॉर्म में आ जाए। समझ में आ गई ना, इतना पॉसिबल है इंशाल्लाह, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा जी अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। खालिद यार आप चुप ही हो गए, उसके बाद लगता है आपको दिल दुख तो नहीं किया कि उर्दू की बहुत ज़्यादा
मैंने जो बात की आपसे हालत मियाँ सर उस तरह की कोई बात भी नहीं है मैंने तो सर आपको तब भी कहा है कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था कि मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं है मगर वो किस तरह पता लगेगा जब बंदे को कोई एहसास दिलाएगा तो इसको अब ये है कि मैं तो और ज्यादा इसको टाइम दूंगा कि इसको मैंने आपको एहसास दिलाया ये आपको अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा इसका तासुर रहेगा मुझे उम्मीद है जी 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 इंशाल्लाह सर चलें जी अब हम बात करते हैं हमदा अजहर से जी हमदा जी आप बात करें सेकंड पढ़ें इसका जो है सेकंड क्या लिखा हुआ है हमदा हमदा क्लास में यार एक ये बड़ा मसला है कि जो ही मैं किसी से पूछने लगता हूँ तो बंदा गायब हो जाता है हां जी क्लास में हूं तो बोलो ना इधर हो देखो माइक में सब अनम्यूट करते करते टाइम लगता है कोई बात नहीं बोले सेकंड जो है सेकंड ओके सर मैं करती हूँ रीड उमेर क्या हाल है आपका ठीक ठाक है तबीयत कैसी है जी सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर आप कैसे हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जो मिड्स पेपर है पता चल गया होगा कि हम ऑनलाइन लेंगे और मैंने उसका चैप्टर बताया था आपके खालिद को भी बताया था कि मेरे जहन में जो है पैटर्न आपका होगा कि 20 दिसंबर का पेपर है आपका इंशाल्लाह और उसमें 10 या 12 जो हैं एक नंबर का या मे बी 1.5 नंबर के मैं 5-6 दे दूं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो इसमें 4 चॉइसेस होंगी जैसे होते हैं तरीकाकार है उसमें से एक आपने टिक करना होगा और वो ऑटो मतलब चेकड होंगे मैंने उसको पहले टिक किया होगा आपको पता चल जाएगा कि नंबर कितने आए आपके और 2 सवाल मैं आपको दे सकता हूँ या 3 सवाल दे सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि आपने उसका आंसर लिखना है और वो मैं दे सकता हूँ कि आप वो कॉलम लिख के दिखाएं या फीचर लिख के दिखाएं मुख्तसर सा वो टॉपिक बताएं कुछ भी हो सकता है तो ये आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि पेपर आपका इस पैटर्न पे आएगा और बड़ा इजी होगा इंशाल्लाह परेशान नहीं होना ओके सर इंशाल्लाह हमदा हमदा किधर रह गई हो चले नेक्स्ट मेहर उसको प्रॉब्लम चल रहा है कोई हम बात करते हैं फिजा से जी फिजा सेकेंड टॉपिक क्या है सेकेंड पॉइंट फिजा मेरी आवाज आपको आ रही मेरी आवाज आपको आ रही है सुन रहे हैं नजर आ रहा हूँ मैं हेलो जी जी सर जी सर आ रही हूँ चले जी फिजा जो मैंने इसलिए सोचा ना कि अभी ना मेरी बात हमदा ने मेरी बात का जवाब दिया ना फिजा ने दिया नहीं है कि मेरी अपनी आवाज ही ना आ रही हो क्या कर लूं अच्छा जी एहसन रजा एहसन रजा जी सर आप कुछ बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही सर एसएन का माइक ऑन है सर ये एसएन का माइक ऑन है लेकिन एसएन खुद भी बोल रहा ना जी फिजा मियां मैं आवाज सुन रहा हूँ आपकी मैंने उसको म्यूट कर दिया एसएन को जी जी फिजा आप बोले सेकंड पॉइंट डिस्कस करें प्लीज जी जी सर जी ना मेरा फिजा का भी मसला चल रहा है कोई अब आप हम आ जाते हैं हुरिया जी हुरिया हुरिया फरजीन जी आप सुन रही हैं मुझे जी सर मैं पढ़ रही थी
नहीं फिजा आपका मसला आ रहा है माइक का, कनेक्टिविटी का, फिलहाल बंद कर दें अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। जी जी अपना मिस फरजीन आप बात करें प्लीज। सर मैं दूसरा पॉइंट रीड करती हूँ। पहला तो था कि कॉलम अखबार या रसाले में शाया होने वाली तहरीर का नाम है, कॉलम मुस्तकिल अनवान के तहत लिखा जाना जाता है, बकायदगी से शाया होता है, तहरीर के साथ लिखने वाले का नाम दर्ज होता है, तहरीर का असलूब मुनफरद होता है, ख्वाह वो फकाहिया हो या संजीदा वजाहती हो या तज्जियाती, ताज़ा हालात और वाकयात असासी दर्जा रखते हैं, इंसानी जिंदगी और मुआशरे से मौजू तलाश किए जाते हैं, इन मौजूआत में जिंदगी इन मौजूआत में जिंदगी और मुआशरे के किसी एक पहलू पर भी की गई की गई हो या ज्यादा पहलुओं पर। कॉलम नवेस के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए कि कॉलम किसी सूरत में अव्वल से आखिर तक बयानिया नहीं हो सकता, कॉलम का आगाज किसी बयान से जरूर किया जा सकता है, इसका इख्तिताम भी बयान पर हो सकता है, लेकिन जब तक कॉलम निगार अपने मखसूस अंदाज में तबसरा ना करे और तजरीदी अलामती या बराह रास्त तरीके से अपने ख्यालात का रंग ना भर दे और अपनी नगारशात को मकसदियत के तहत पारवीन को किसी नतीजे या मंजिल पर पहुंचाने में मदद ना दे, इस वक्त तक तहरीर आला मयार का कॉलम कहलाने की मुस्तहिक नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया मिस फजीन, थैंक यू वेरी मच। और आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आपका लहजा बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे भूल गया था, चूँकि आप ज़रा बहुत अर्सा पहले मैंने आपको पढ़ाया था, तो मुझे ये अब खुशी हो रही है कि आपका उर्दू एक्सेंट बहुत अच्छा है, तो आप ठहर ठहर के पढ़ती हैं और बिल्कुल सही पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड। रिजी आपकी वैसी बहुत अच्छी है, ठहर ठहर के पढ़ती है ना, वही इसी कहते हैं ठहर ठहर के पढ़ना, ठहराओ की बजाय लफ्ज होता है ठहर ठहर के पढ़ना, ठहराओ हम और मानों में लेते हैं और ठहर ठहर के पढ़ना और मानों में लेते हैं, ठीक है। हाँ जी 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 सर, बहुत खूबसूरत बात सर, मुझे एग्जैक्ट सर मुझे नहीं इस चीज़ का पता, मतलब ये मेरे ख्याल में आप रहनुमाई फरमाए कि सुन्नत है शायद या हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जब वो बोलते थे कोई भी बात तो जो साथ जी लोग अल्फाज गिन भी सकते थे, तो ये सुन्नत भी है मेरे ख्याल में। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही हम तक जो मालूमात पहुंची हैं कि उनके वो उनका बयान कैसा होता था, वो यही है कि बहुत ठहर ठहर के बोलते थे और बड़ी आसानी से सुनने वाला समझ लेता था और उसको अंडरस्टैंड भी कर लेता था। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत धीमा बोलते थे, बहुत ज़रा लाउड नहीं बोलते थे, बहुत और इतना धीमा भी नहीं कि लोग सुन ना पाए और इतना लाउड भी नहीं कि नागवार गुजरे, बहुत बैलेंस्ड, वो पूरी लाइफ बैलेंस्ड है उनकी, मतलब है तो कमाल है। आप पढ़ें या किताब कोई पढ़ लें उनकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब है डॉक्टर नसीर अहमद नासिर की, पैगंबर आज़म वाखर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पढ़ें उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा के बारे में बड़े बहुत मोहब्बत से जिक्र किया हुआ। किताबें तो बहुत हैं, तो मैंने आपको एक किताब का जिक्र किया है, एक किताब है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें भी उसमें भी जिक्र किया गया उस किताब में आपकी जो मामूलात ज़िंदगी हैं, एक्चुअली वाक़यात में उस तरह मिलती हैं लेकिन मामूलात ज़िंदगी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ज़रा नहीं मिलती, तो वो किताबें बड़ी कम हैं, वो कुछ पढ़ें आपको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यानी 23 साल की उम्र में जस्ट 23 वर्ष में सॉरी 23 वर्ष के अंदर सिर्फ यानी जो आफ्टर 40s जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई 40 इयर्स की एज में आई उससे 63 तक जो है 23 इयर्स क्या वो हुआ, आपका वो जो स्टाइल था बात करने का या आपका समझाने का जो स्टाइल था वो थोड़ा सा पढ़े ना उसको, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, तो आप उसको इसको देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कम्युनिकेशन का निज़ाम क्या है, इस्लामिक कम्युनिकेशन फिलॉसफी क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझाने का अंदाज क्या था, ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए, तो वो पढ़ें आप उसको यकीनन बहुत कुछ
سیکھیں گے اور تبدیل ہوں گے آپ. جیسے ابھی اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بہت ٹھہر ٹھہر کے اور بہت درمیانہ یعنی میانہ روی کے ساتھ چلتے تھے اور بولتے تھے, نہ بہت تیز چلتے تھے نہ آہستہ چلتے تھے, نہ تیز بولتے تھے نہ آہستہ بولتے تھے, اس طرح بیلنس سر پوری لائف بیلنسڈ ہے جی. پیغمبر اعظم و آخر, پیغمبر اعظم میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, ایک منٹ مجھے ایک منٹ دے, میں ابھی دکھا دیتا ہوں. ابھی امید سر دکھا رہے ہیں, آپ دیکھ لیجیے گا. یہ تین کتابیں ہیں, ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب کی کتاب دیکھ رہے ہیں, یہ فیروز سنز نے چھاپی ہے, ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب کی پیغمبر اعظم و آخر, یہ بہت اچھی کتاب ہے, آپ اسے پڑھیں گے آپ یقین کریں کہ آپ کی لائف بدل جائے گی. دوسری کتاب ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شیخ غلام علی ایم سنز نے چھاپی ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, یہ بھی اویلیبل ہے, یہ بھی آپ, وہ فیروز سنز کی ہے, پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے اشاعتی, یہ مطلب کتابیں وہ ہیں جو اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. ایک کتاب ہے دین رحمت, دین رحمت, دین رحمت یعنی اسلام, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی ڈیلنگ کیا تھی, اور ڈیلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اسلام ڈیلنگ پہ زور دیتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ سے کیا ڈیلنگ ہے, میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹو جو میرا جو بیہیویئر کیا ہے, اسٹوڈنٹس کا میرے ساتھ کیا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میٹر کرتا ہے اور اسلام اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. تو خیر آپ نے مجھے موضوع سے ہٹا دیا, لیکن یہی موضوع ہے جو کائنات کا اصل موضوع ہے, اس پہ مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آفیتوں میں رکھے, آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے, ہمت دے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے. نیکسٹ کلاس میں میرا جو ٹاپک ہے میں آج آپ کو ریڈنگ شیئر کر دوں گا, صبح ہماری کلاس ہے 8 بجے, میں پھر بتا رہا ہوں 8 بجے ہے, پلیز اٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے روزے کے بعد, لیکن آپ 8 بجے کلاس میں کوشش کیجیے گا, جوائن کیجیے گا, میں آپ کا کوئز بھی لے سکتا ہوں, اور اٹینٹیو رہا کریں پلیز. انشاءاللہ کل میں آپ کو ابھی ریڈنگ شیئر کرتا ہوں, اس کو ڈسکس کریں گے اور کالم پہ ہم مزید اپنا بات چیت جاری رکھیں گے, جہاں سے ابھی حوریہ نے جہاں سے ابھی تھوڑا سا پڑھا ہے, انہی پوائنٹس پہ ڈسکس کریں گے, یہ سارے آپ پوائنٹس ذرا پڑھ کے آئیے گا, ٹھیک ہے جی. اور میں اٹینڈنس کو پھر دیکھ لیتا ہوں, آپ کی نیکسٹ کلاس ہے نا کوئی, ابھی نیکسٹ کلاس آپ کی وہ ہے؟ جی سر کلاس ہے, کل فرحت کی کلاس ہے. جی سر ہے. اچھا فرحت کی ہے, تو ذرا 5 منٹ آپ لوگوں کے پاس سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اٹینڈنس دوبارہ چیک کر لیتا ہوں. محمد بلال, محمد شیراز, حارث بلال, اس کے بعد ہیں ہارون احمد, سمیر احمد, یہ کلاس میں نہیں ہے میرے پاس, کلاس میں آ گئے ہیں ابھی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اینی کوسچن, کوئی کوسچن تو نہیں ہے؟ چلیں, اللہ حافظ و ناصر, فی امان اللہ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر.